दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। अपील की जा रही है कि लोग भीड़ से बचें, लेकिन अफवाहों और खौफ का असर ऐसा है कि लोग मानने को तैयार नहीं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से वाजिद अली की एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बाद लगातार दिल्ली से पलायन जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद के लालकुआ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहां पर मजदूर और लेबर तबके के लोग जो हैं लगातार पलायन कर रहे हैं, और इनके सुविधा के लिए बस की जो सुविधा है वो भी मुहैया कराई गई है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग पलायन कर रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि सब लोग जो है झुंड के झुंड बनाकर निकल रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो है सोशल डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। बावजूद इसके जो है इन लोगों को कोरोना वायरस का डर भी शायद नहीं है, इन्हें डर है बस इस बात का कि ये लोग किसी भी तरह अपने घर पहुँच जाएँ। लॉकडाउन का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के इलाकों से लगातार पलायन जारी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ना मास्क है ना कुछ है, बावजूद इसके ये लोग चले जा रहे हैं इस बात से भी बेखबर कि अगर कोरोना वायरस की चपेट में कोई आ जाता है तो उसका अंजाम जो है वो कितना भयंकर हो सकता है। अब इन लोगों के लिए लगातार बसें भी चल पड़ी हैं, कुछ लोग जो है प्राइवेट गाड़ियों के जरिए भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा था कि बसें चलाई जाएंगी, वो बसें चलाई जा रही हैं। आनंद विहार से ये बस की सुविधा जो है इन लोगों को दी जा रही है, और ये आनंद विहार से लालकुआ और मुरादनगर तक दिल्ली DTC बस इन्हें छोड़ रही है, और उसके बाद फिर जो उत्तर प्रदेश का रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो इन्हें यहाँ से उनकी मंजिल तक छोड़ रहा है। बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जो हैं कहाँ जाना चाहते हो आप? हम बलरामपुर जाने चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आपसे यहाँ रुका नहीं जाता जो आप जा रहे हो वापस? हम यहाँ कुछ खाने पीने खाए नहीं, क्या कर रहे हैं, काम छुट्टी दे दिया। सरकार मदद कर दी है खाने पीने की? तो घर वाले तो इंतजार कर रहे हैं, सरकारी DTC बस जो दिल्ली से चल रही है फ्री है? वो फ्री है सर, यहाँ से जो सरकारी बस खुली है वो पैसा ले रहा है सर। किराया लिया जा रहा है? नहीं, कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, फ्री छोड़ा जा रहा है, फ्री सेवा है। तो कहाँ से कहाँ तक छोड़ दो आप लोगों को? यही लालकुआ तक। लालकुआ तक आनंद विहार से। कोरोना वायरस जो है कितना भयंकर वायरस है, बावजूद इसके ये लोग बसों के अंदर भी खचाखच भरे हुए हैं। सड़कें जो हैं पूरी देख सकते हैं भीड़ दूर दूर तक नज़र आ रही है। इन लोगों का कहना है कि बस किसी भी तरह से ये अपने घर पहुंच जाएं, जबकि अगर कोरोना वायरस से बचना है तो इसके बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, गाज़ियाबाद।